राज्य में नहीं लाने को लेकर सरकार को नोटिस भेजा गया है। एनसीपीसीआर के निबंधक रमन कुमार गौड़ ने केंद्रीय महिला और बाल विभाग सचिव, झारखंड के महिला और बाल विकास सचिव अमिताभ कौशल, नई दिल्ली में झारखंड के स्थानीय आयुक्त को नोटिस भेजा है। इसके तहत कहा गया है कि आखिर झारखंड की बेटियों को जो ट्रैफिकिंग की शिकार हुई थी, उन्हें 2 साल से वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1 सप्ताह के अंदर इन बालिकाओं को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाए अथवा एनसीपीसीआर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के आधार पर कार्रवाई करने को बाध्य होगी। यह कार्रवाई धारा 14 के अंतर्गत की जाएगी। उधर नेशनल एक्शन कोऑर्डिनेशन ग्रुप के कोषाध्यक्ष संजय मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गायब हुए 118 बच्चों के मामले पर एनसीपीसीआर ने भी संज्ञान लिया है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक समेत संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षा का मौलिक अधिकार और नाबालिग बच्चों के शोषण के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। बिला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। चिकू, तुमने बोला बड़ा रोल मिला है तो मुझे लगा क्या लगा लगा कि सेल्फी तो बनती है। चाचू, मेरा टैलेंट सेल्फी में फिट नहीं होगा। ओ सेल्फी में तो फिट हो गया, गाड़ी में फिट होगा। 105 डिग्री सुपर वाइड सेल्फी ऑन वीवो V19। लोगों के घर में झांकना छोड़िए मखीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले, शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। Asian Paints Safe Painting Service. Missed call दें 80504 80504 पे। वाह,